भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना एंकर वेद कुमार। तो आज आपको हम लेकर चलते हैं एक बेहतरीन फसल की ओर, जैसे एक बैंगन की फसल है। तो आइए जानते हैं बैंगन के बारे में। तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं, ये हमारी बैंगन की फसल है। यहाँ पे हमने बैंगन का पौधा पकड़ रखा है। यहाँ पे काफ़ी बारिश होने के कारण, काफ़ी तूफान आने के कारण, यानी हवाएं तेज चलने के कारण हमारे बैंगन के बहुत सारे पौधे पलट गए हैं, यानी क्या कहते हैं, नाले से उखड़ भी गए हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है खेत में। और जैसा कि आपको हम बता देना चाहें कि बैंगन की खेती करने हेतु हमें पौधे से पौधे यानी पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग 1 से 1.25 फीट के करीब रखनी चाहिए, और नाले से नाले की दूरी लगभग 3 से 3.25 फीट के करीब होती है। और जैसा कि आपको हम अभी बैंगन का एक फल दिखाते हैं, तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों आपको वीडियो में देख, भैया कैमरा इधर लाना जरा। तो जैसा कि मेरे किसान भाइयों आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये हमारा गोल बल्ब आकार का बैंगन है। इसको हम गोल बल्ब आकार बैंगन भी बोलते हैं। तो जैसा कि मेरे किसान भाई, और आपको हम बता देना चाहें, इसके जो फूल होते हैं वो बैंगनी आसमानी कलर के होते हैं। और बैंगन एक बहुत ही अच्छी सब्जी, बहुत लोकप्रिय सब्जी, इसको भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है। और जैसा कि मेरी आपको और चीज़ हम एक दिखाना चाहेंगे, इस हमारे खेत में दो तरीके के बैंगन लगे हुए, जैसा कि एक ये भी क्वालिटी है बैंगन की, एक इसमें किसान ने दो तरीके के पौधों की रोपाई कर रखी है, दो क्वालिटी के इसमें बैंगन लगे हुए हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर हम बैंगन की खेती करना चाहें तो पौधे की रोपाई करने से पहले इसमें जब हम खेत बनाते हैं तो अमोनियम सल्फेट और कंपोस्ट खाद यानी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लगाने के लिए पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, इसके पौधे बोए जाते हैं, इसके बीज बोए जाते हैं, फिर इसके पौधे उगाए जाते हैं, इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, और फिर इसका खेत तैयार किया जाता है। और उसमें क्या कहते हैं, फावड़े से यानी जिसको हम कत्ती भी बोलते हैं, उससे इसमें नाले चढ़ाए जाते हैं। नाले से नाले की बीच की दूरी 3 से 3.25 फीट के अंतराल में रखी जाती है, जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और पेड़ से यानी पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 से 1.25 फीट के करीब रखी जाती है। और इसमें हम अगर बात करें फ्लावरिंग की, अगर इसके पैदावार बढ़ाने, इसकी क्या कहते हैं, उपज की बढ़ाने के लिए, तो इसमें हम क्या कहते हैं, सोनाटा टानिक एक आती है और हमारी एक विंची विन टानिक आती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है। सबसे ज़्यादा जो मेन समस्या हमारी बैंगन में आती है वो कीड़े लगने की आती है। इसमें क्या कहते हैं, सुंडी नाम का कीड़ा लगता है, जो कि फल छेदक और एक तना छेदक कीट होता है। जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हमारी ये शाखा इसमें सूख चुकी है, इसमें कि क्या कहते हैं, इसमें इसका आपको दिखा रहे हैं तना छेदक, इसमें कीट लगा हुआ है। जैसा कि मेरे किसान भाई आपको कैमरा में दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे इसमें कीट लगा हुआ, इसमें क्या कहते हैं, कीटनाशक रसायन का भी उपयोग कर लिया गया इसके लिए। इसमें कीटनाशक रसायन का उपयोग किया जाता है, इसके लिए हम इसमें कोराजेन का इस्तेमाल करते हैं। कोराजेन एक ऐसी दवा जिसका हम बैंगन में भी इस्तेमाल करते हैं और गन्ने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी ही जानकारी भरपूर वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे अमन मोर खेती चैनल से, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।